नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि चार धाम कैसे बने और ये कहां कहां पर है? आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आदि शंकराचार्य को मात्र 8 वर्ष की आयु में सभी वेदों का ज्ञान हो गया था। हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले श्री शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के कालटी नामक गांव में नमूद्री ब्राह्मण के घर में हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदुओं के सबसे बड़े धर्माचार्य आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भारत के दक्षिण हिस्से में नमूद्री ब्राह्मण के कुल में हुआ था। आदि शंकराचार्य को सिर्फ 8 साल की आयु में सभी वेदों का ज्ञान हो गया था। हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले आदि शंकराचार्य जी दक्षिणी भारत के कालटी नामक गांव में नमूद्री ब्राह्मण परिवार के जन्म हुआ था। नमूद्री ब्राह्मण वंश के लोग आज भी बद्रीनाथ के मंदिर में रावल होते हैं। इसके अलावा ज्योतिष मठ के शंकराचार्य की गद्दी पर नमूद्री ब्राह्मण ही बैठते हैं। आदि शंकराचार्य बचपन में ही बहुत प्रतिभाशाली बच्चा था। उनके जन्म के बारे में लोग इस प्रकार कहते हैं कि आदि शंकराचार्य ने सिर्फ 32 साल की उम्र में हिमालय में समाधि ले ली थी। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा करते हुए देश के चारों दिशाओं में 4 प्रमुख पीठी को स्थापित किया था, जिसे आज के समय 4 धाम कहा जाता है। शंकराचार्य जी ने जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ धाम की स्थापना की थी। हिंदू मान्यता के अनुसार 4 धाम की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। इन्हें तीर्थ भी कहा जाता है। श्री शंकराचार्य जी द्वारा परिभाषित 4 वैष्णव तीर्थ हैं, जहां हर हिंदू को अपने जीवन में कम से कम एक बार तो जरूर जाना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार 4 धाम की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। इन्हें तीर्थ भी कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा परिभाषित 4 वैष्णव तीर्थ हैं, जहां हर हिंदू को अपने जीवन काल में एक बार जरूर जाना चाहिए। हिंदुओं को यहाँ पे मोक्ष प्राप्त करने में बड़ी मदद मिलती है। इसमें उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, पश्चिम की ओर द्वारिका, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वर धाम हैं। ये चारों ही धाम 4 दिशाओं में है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका जी है। पुराने समय से ही 4 धाम तीर्थ के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इनकी महिमा का प्रचार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। माना जाता है कि इन्हें 4 धाम व 12 ज्योतिर्लिंगम को सूचीबद्ध किया था। 4 धाम 4 दिशा में होने के साथ जो इसके पीछे सांस्कृतिक लक्ष्य था, वह यह कि इनके दर्शन के बहाने लोग कम से कम पूरे हिंदुस्तान को जरूर देख लेंगे। वे विविधता और अनेक रंगों से भरी भारतीय संस्कृति को जानेंगे, वह अपने देश की सभ्यता और परंपराओं को पहचानेंगे। इनमें बद्रीनाथ धाम जी हैं। बद्रीनाथ धाम उत्तर दिशा में मुख्य यात्रा धाम
माना जाता है। मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीपक जलता रहता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। यह हिंदुस्तान के चार धामों में सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है। सभी हिंदू की यह कामना होती है कि कम से कम एक बार बद्रीनाथ जी का दर्शन जरूर करके आऊं। यहां पर यात्री तप्त कुंड में स्नान करते हैं, वहां वनस्थली की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का घोड़ा और मिश्री आदि का प्रसाद महादेव पर चढ़ाते हैं। उत्तर दिशा में हिमालय पर अलकनंदा जी के पास ये बद्रीनाथ धाम है। विष्णु जी की शालिग्राम शिला से बनी चतुर्भुज मूर्ति यहाँ पर रखी गई है। इसके आसपास बाईं ओर उद्धव जी तथा दाईं ओर कुबेर जी की मूर्ति रखी हुई है। इसके बाद रामेश्वर धाम आता है। रामेश्वर धाम में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना होती है। यह शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी जी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वर जी की है। रामेश्वर चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है, जहां पर रामेश्वर धाम जी विराजमान है। दक्षिण दिशा में तमिलनाडु के रामनाथापुरम जिले में समुद्र के बीच रामेश्वर द्वीप है और यहां पर लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसके बाद आता है पुरी धाम। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। आप लोग जानते हैं जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी का होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। दोस्तों, इस मंदिर को हिंदुओं के चार धाम में से एक गिना जाता है। इस मंदिर का वार्षिक रथ और उत्सव बड़ा ही प्रसिद्ध है। देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान का रथ यात्रा निकालते हैं। यहाँ मुख्य रूप से भात का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पूर्व दिशा में उड़ीसा राज्य के पुरी में ये स्थित है। विष्णु जी की नील माधव प्रतिमा जो जगन्नाथ कहलाती है, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्ति भी है और इन्हीं की रथ यात्रा निकाली जाती है। चौथा धाम द्वारिका धाम कहा जाता है। द्वारका जी भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे बसी है। आज से हजारों साल पहले भगवान कृष्ण ने इसे बसाया था। कृष्ण मथुरा में पैदा हुए थे, गोकुल में बड़े हुए थे। राज उन्होंने द्वारका जी पर किया था। यहीं बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ से में संभाली थी, पांडवों को सहारा दिया था। कहते हैं असली द्वारका जी पानी में समा गई थी, लेकिन कृष्ण जी की इस भूमि को आज भी पूज्य माना जाता है। इसलिए द्वारका धाम में श्री कृष्ण जी को पूजा किया जाता है। पश्चिम दिशा में गुजरात के जामनगर के पास समुद्र तट पर द्वारका धाम स्थित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति होती है। तो हम लोग आप सब से निवेदन करते हैं कि इन चारों धामों में कम से कम एक बार जरूर जाएं और जीवन को समझें, मोक्ष प्राप्त करें और अपने घर में सुख शांति और हर चीज़ का आनंद लें। नमस्कार।
आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा।